नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सिंह आप सभी का लाइफाई कंपटीशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें बताऊंगा ग्रुप डी कर्मचारी को कितना वेतन मिलता है, क्या क्या अलाउंस मिलते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बेसिक पे आपको कितना मिलेगा। बेसिक जो सैलरी होगी आपकी वो होगी 18,000 रुपये। कितनी होगी? 18,000 रुपये। बेसिक सैलरी आपकी 18,000 होने वाली है, क्योंकि रेलवे कर्मचारी 1800 ग्रेड पे में भर्ती होते हैं। कितने में भर्ती होते हैं? 1800 ग्रेड पे में भर्ती होते हैं, तो उनकी जो बेसिक सैलरी होती है जो 18,000 बनती है। इसके बाद डियरनेस अलाउंस जो होता है आपको लगभग 6,000 के आसपास मिलेगा। क्यों? अभी जो रेलवे कर्मचारियों को डीए है वो लगभग 3,000 प्लस है। कितना मिल रहा है? 3,000 प्लस। अभी रेलवे कर्मचारियों को डीए 3,000 प्लस मिल रहा है, जो कि सरकार ने डीए फिलहाल रोक रखा है। जनवरी और जुलाई और ये 2021 की जनवरी ये डीए रोक रखा है, आगे भी जुलाई में डीए बढ़ेगा। ये डीए जो होता है हर साल दो बार बढ़ता है, जनवरी और जुलाई में, तो लगभग हर साल 3% बढ़ता ही है, 3 से कभी 4%, कभी 5%, कभी 6%। तो जब आप ज्वाइनिंग होगे, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो ये डीए लगभग बढ़कर कितना हो जाएगा? 6,000 रुपये के लगभग हो जाएगा। तो आपका डीए जो मिलेगा 6,000 मिलेगा। नेक्स्ट एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। देखिए हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो अगर आपका दिल्ली डिवीजन में हुआ है, बेंगलोर में हुआ है, या किसी अच्छे शहर में आपका आपकी अगर पोस्टिंग हुई है, तो आपको जो डीए एचआरए मिलेगा वो 5400 मिलेगा। एचआरए रेलवे 3 पार्टों में डिवाइड करती है, 1800 और 3600 और 5400। सबसे लो जो होती है कैटेगरी वहाँ 1800 मिलता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है वहाँ 3600, और जो अच्छा बड़ा शहर होता है, सिटी होती है, वहाँ आपको एचआरए जो मिलता है 5400 रुपये मिलता है। तो इतना आपको एचआरए मिलने वाला है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए रेलवे हर महीने 1000 प्लस रुपए देती है। कितना देती है? 1000 प्लस देती है। लेकिन आप ज्वाइनिंग होंगे तब, लेकिन जब आप ज्वाइनिंग होंगे तब ये कुछ और बढ़ सकता है। नेक्स्ट एनएच, अगर आप जिस महीने में जॉब कर रहे हो उस महीने में अगर कोई भी एनएच आता है, तो पर एनएच 384 रुपये आपको मिलते हैं। अगर आपके पास दो एनएच आए तो उसके 384 × 2 इतने रुपए आपको मिलेंगे, यानी कि एक एनएच के आपको 384 रुपये मिलते हैं। तो इस हिसाब से रेलवे आपको एनएच देती है। नेक्स्ट नाइट ड्यूटी अलाउंस अगर आप नाइट ड्यूटी करते हो तो आप महीने में 15 नाइट, कितनी? 15 नाइट फिल कर सकते हो। 15 नाइट का जो आपका पैसा बनेगा लगभग 2000 रुपये के आसपास, नियरेस्ट 2000 रुपये बनता है। तो नाइट ड्यूटी अलाउंस देती है रेलवे, जो आपका 2000 रुपये करीब बनता है। नेक्स्ट ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर आप अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर काम करने जाते हो, तो आपको रेलवे 500 रुपये पर डे के हिसाब से ट्रैवलिंग अलाउंस देती है। अगर आप 15 दिन महीने में काम करने गए अपने हेडक्वार्टर से क्वार्टर के बाहर, तो आपको जो सैलरी मिलेगी टीएयू मिलेगा 7500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक,
नेक्स्ट नेक्स्ट है चिल्ड्रेन एजुकेशन। अगर आपकी शादी हो गई है और आपके पास बच्चे हैं, अगर आपके पास एक बच्चा है तो उसके लिए आपको 27,000 पर साल मिलेंगे। अगर आपके पास दो बच्चे हैं तो आपको 54,000 रुपये पर साल दिए जाते हैं। रेलवे पर साल 54,000 रुपये देते हैं अगर दो बच्चे हैं तो। अगर दो से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको उनके लिए रेलवे पैसे नहीं देती है, रेलवे केवल दो ही बच्चों के लिए पैसे देती है। तो आपको एजुकेशन जो मिलता है, एजुकेशन फ़ी जो मिलती है वो 27,000 रुपये पर बच्चे के हिसाब से देती है। नेक्स्ट, अगर आपका बच्चा हॉस्टल में रह कर के स्टडी कर रहा है, कहीं हॉस्टल में आपने उसको एडमिशन दिला दिया है, वहाँ वो पढ़ रहा है हॉस्टल में रहकर, तो उसके लिए पर साल 81,000 रुपये रेलवे देती है। नेक्स्ट है ड्रेस अलाउंस। ड्रेस अलाउंस के रूप में रेलवे पर ईयर यानी कि हर साल कितने रुपए देती है, 5,000 रुपये। आपको 5,000 रुपये रेलवे हर साल देती है, जो कि जुलाई महीने में लगकर आ जाते हैं। जुलाई महीने की सैलरी में 5,000 रुपये ऐड होकर आ जाते हैं। तो हर साल 5,000 रुपये ड्रेस अलाउंस देती है रेलवे। नेक्स्ट, सबसे अच्छा ये है कि रेलवे हर दिवाली पर आपको दिवाली बोनस के रूप में 18,000 रुपये देती है, जो कि और किसी जॉब में नहीं मिलता है। तो रेलवे की ये सबसे अच्छा बोनस है। रेलवे की तरफ से क्या है, सबसे अच्छा बोनस है जो आपको 18,000 रुपये पर साल मिलते हैं। नेक्स्ट, रिस्क अलाउंस। रेलवे ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए रिस्क अलाउंस के रूप में 2,700 रुपये पर मंथ देती है। तो रेलवे ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए ये सबसे अच्छा बोनस है, जो कि और कर्मचारियों से आपकी सैलरी को आगे ले जाता है। तो रिस्क अलाउंस के रूप में रेलवे कितना देती है, 2,700 रुपये रेलवे ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए। नेक्स्ट, अब देखते हैं आपको सैलरी कितनी मिलेगी। टोटल ऐड करके देखते हैं। बेसिक सैलरी 18,000, डीए 5,900 रुपये लगभग 6,000, एचआरए हाउस रेंट जो आपको मिलेगा 5,400 रुपये मिलेगा, हार्ड रिस्क अलाउंस जो मिलेगा आपके लिए 2,700 रुपये मिलेगा, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मिलेगा आपके लिए 1,000 रुपये मिलेगा, और ट्रेनिंग टीए जब आप पहले महीने में ज्वाइनिंग होगी आपकी, तो आपके लिए 30 दिन की ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। कितने दिन की ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा, 30 दिन की ट्रेनिंग पर। जब आपको 30 दिन की ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा तो 500 रुपये के हिसाब से आपके 15,000 रुपये टीए के बनेंगे। कितने बनेंगे, टीए के बनेंगे। और ड्रेस अलाउंस कितना मिलेगा आपको, 5,000। तो आप इन सबको ऐड करोगे, तो ये आएगा आपका 53,000 रुपये। तो इस तरह से आपको पहले महीने में मिलने वाली सैलरी है वो है 53,000, जो कि और किसी जॉब में इतनी सैलरी आपको संभव नहीं है। तो रेलवे को ज्वाइन करते ही आपको पहले महीने में 53,000 रुपये आपके हाथ में आ जाएंगे।